आयकर विभाग वित्तीय वर्ष 2022-23 में करदाता अब स्वयं आसानी से भर सकेंगे रिटर्न। आयकर विभाग ने ITR 1 और ITR 4 जारी किए। आसान तरीका, रिफंड के लिए दस्तावेज अपलोड करने होंगे जरूरी, मोबाइल से 10 मिनट में भर सकते हैं। करदाता स्वयं आसानी से भर सकेंगे रिटर्न। आयकर विभाग ने ITR 1 और ITR 4 जारी किए। एक्सेस सुविधा भी शुरू की। रिफंड के लिए कागज अपलोड करने होंगे जरूरी। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऑफलाइन रिटर्न ITR भरने की क्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऑफलाइन ITR सहज और ITR 4 सुगम फार्म जारी कर दिए गए हैं। साथ ही विभाग ने एक्सेल की सुविधा भी शुरू कर दी है, जिसकी मदद से करदाता आसानी से रिटर्न भर पाएंगे। ऐसे भरना होगा ऑफलाइन फॉर्म। ऑफलाइन के लिए आयकर दाता को संबंधित फॉर्म डाउनलोड करना होगा, फिर इसे फॉर्म 16 से मिलान करते हुए या वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान हुई कुल आय के अनुसार भरना होगा। इसमें कुल आय, कुल बचत और TDS की जानकारी भरनी होगी। फिर फॉर्म को स्कैन कर आयकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। विभाग ने ऑफलाइन तरीके से ITR दाखिल करने वालों के लिए एक्सेल ऑफ धारी सुविधा को शुरू कर दिया है। करदाता इसे विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। करदाता इसकी मदद से न सिर्फ अपनी टैक्स देनदारी का आकलन कर सकते हैं, बल्कि CA या विशेषक की मदद के बिना ही ITR फॉर्म भर सकते हैं। ITR सहज ये उन लोगों के लिए है जिनकी कुल 50 लाख रुपए तक है आय। इसमें वेतन से आय, घर की संपत्ति, ब्याज से अर्जित आय और 5000 रुपए तक की कृषि आय भी आती है। ITR 4 सुगम यह उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, SUF व फर्मों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख तक है। इसमें व्यवसाय व पेशे से आय शामिल है। ITR 2 और 3 का इस्तेमाल आवासीय संपत्ति से आय अर्जित करने वाले लोग कर सकते हैं, जबकि ITR 3 फार्म कारोबार एवं पेशे से लाभ अर्जित करने वाले लोगों के लिए है। ITR 5, 6 और 7 फार्म, 5 और 6 सीमित दायित्व भागीदारी LLP एवं कारोबारों के लिए है, जबकि ITR 7 फार्म का इस्तेमाल ट्रस्ट कर सकते हैं। ये दस्तावेज जरूरी हैं। NPS, PPF, SSY, NSC, SCS, टैक्स सेविंग, FD, EULIP, बीमा, इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन ब्याज, होम लोन के मूल पैसे के भुगतान जैसे खर्चों और डोनेशन से जुड़े कागज। रिफंड के लिए कागज अपलोड करने होंगे जरूरी। जो वेतनभोगी ITR यानी आयकर रिटर्न में अतिरिक्त डिडक्शन दिखाते हुए रिफंड के लिए दावा करते हैं, उन्हें इसके पक्ष में जरूरी दस्तावेज पेश करने अनिवार्य है। इस संबंध में आयकर विभाग के नियम स्पष्ट हैं। संबंधित दस्तावेज जमा न करने पर 200 रुपये जुर्माना लगा जा सकता है।